तो गाइस आज हम आगे मंडी में, कल भंडारा है आपको पता ही होगा, पिछले साल भी हुआ था, तो अभी शॉपिंग चल रही है सब्जियों की। ये ले लिया हमने 30 किलो मटर, वहाँ से करा लिया हमने टमाटर, अरे यार अब दिख रहा है, वहाँ से करा लिया हम टमाटर, अदरक वदरक सब लेके जाएंगे। बड़ी मंडी में आए हम लोग, क्या कह रहा है? अदरक मैम साहब, बहुत अच्छी अदरक है हमारे यहाँ पे, तू मत भेज, मैं अपने आप ले लूंगी। ये जी पर्ची बना के दी है घर वालों ने कि ये सब सामान लाना है। इस बार मैं शॉपिंग करने आई हूँ सब्जियों की, सोच रहे हो? मुझे तो लगा काल ही आ रही होंगी, इस बार मैं शॉपिंग करने आई हूँ सब्जियों की, मुझे लग रहा है कम ज्यादा करके ही जाऊंगी मैं, मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं है। तो गाइस अभी मैं ले चुकी हूँ सारी सब्जियाँ, बस पनीर रह रहा है, मामा और मैं पनीर लेने जा रहे हैं। उन लोगों को स्कूटी लेके भेज दिया बाहर किराने की दुकान पे, वहाँ से किराने का सामान उठाएंगे, तो चलते हैं लो पनीर की दुकान पे, आगे पनीर ले लेते हैं। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं घर, मैंने बाकी का व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि यार इतना सारा सामान उठाना था, मेरे पैर में भी दर्द हो गया, इतना भारी सामान था, मैं बाइक पे पकड़ के बैठी थी मामा के पीछे, और पापा भी आज जल्दी आ चुके हैं, और क्या कहते हैं बड़ी मम्मी तो यहाँ बैठी है, अब हम मटर छिलने वाले हैं सारे, देखो इतने सारे मटर, आपने रखा हुआ है। मत कर, डर लग रहा है, प्लीज प्लीज मत कर यार, मुझे बहुत डर लगता है गाइस, आपको तो पता ही है। हाँ, फोड़ दे, फोड़ दे, फोड़ इसको देखो, ये बिन मतलब का कंटेंट बनाने आ रहा है, फोड़ दो, नहीं नहीं प्लीज नहीं, फ्री का कंटेंट मिल रहा है ना भंडारे का, नहीं मत फोड़, जाओ अभी आप घर जाओ, चाबी देना मेरी, जब तक जाऊंगा, अरे तो स्कूटी के है, इसकी मम्मी ने बोला है यहीं रह के काम करवाएगा, बोला इससे जितना काम हो सके उतना काम करवाओ, ये झूठी है गाइस। देखो गाइस इतने सारे मटर अकेले मैंने छिले है, मैंने और किसी ने मेरी मदद नहीं कराई, अच्छा कैमरे के पीछे आवाज आ रही है क्या? ये देखो सारे बैठे हैं, सारे मटर छिल रहे हैं, और मैं यहाँ घूमने गई थी अभी आई हूँ, छिले हुए मिले मेरे को इतने सारे मटर, 30 किलो मटर छिल भी लिया आप लोगों ने, ओ भाई साहब इतने सारे मटर छिल लिए, तुम लोग ने छिले है, छिलके ये रे छिलके, ये भी रे छिलके, कपड़ा दो इसको, पंखा साफ करेगा, पंखा साफ करो ए सारांश, हाँ हाँ ये साफ करना है, यही साफ करना है, देखो मामा ने इसको उठा दिया, मतलब विश्वास देख रहे हो इसका, जरा पकड़ा भी नहीं है इसने, मोदी की सीट पे बैठा हो, पंखे पकड़, बैठ जा पंखे पे, पकड़, सफाई कर, ठीक, देखो देखो देखो, जरा सा भी टेंशन तक नहीं है कि हाँ मैं गिर जाऊंगा, है भाई इसको देखो, देखो गाइस कहाँ चढ़ा दिया इसको, खुद तो ऐसे ठीकना सा ये पैर ऊंचे करके बैठा है, मजा आ रहा है तेरे को? पारस तो भाई पारस के बराबर बन गया रुद्री, नहीं भाई नॉट इंटरेस्टेड। तो गाइस मुझे लग रही ठंड, एक और ये हुडी पहननी पड़ेगी मुझे क्योंकि मेरा एक स्वेटर वहीं रह गया है फार्म हाउस पे। मम्मी ने बना लिया खाना, आलू बन चुके हैं, खाना रेडी हो मम्मी? चलो भाई मसाले डल रहे हैं, अब खाएंगे खाना फिर चलेंगे कूपर के पास, मिलवाते हैं आपको कूपर से, ये देखो सीढ़ी चढ़ने की तैयारियां, इधर तो ले तो बोले नहीं ना बैठ गया तो पता किधर चल रहा है, वो कैमरे में देख रहा है, उसको मजा आ रहा है व्लॉग में। तो गाइस कूपर से मिलने आ गए, और देखो ये गर्दन लटका के सो रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, प्यार ले रहा है इससे, ये बहुत दिनों बाद मिला है ना इसको, और ये कर रहा है पढ़ाई, और वो पता नहीं क्या कर रहा है, वो मस्त मोल है। दीदी दीदी तू तो सुट्टा पिया था, वो बोल रहा है व्लॉग में, अरे इसमें क्यों लेके जा रही है? तो गाइस मैं सुबह आ चुकी थी घर पे, और मैं भूल गई थी व्लॉग बनाना क्योंकि मेरे को इतना काम था, मैं अपने सूट भी लेके आ गई थी सिलाई वाली से, यहाँ पे बादाम छिले जा रहे हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते यार, बेटा नैन्सी, नैन्सी है ना? हाँ नैन्सी, रायपुर रिटर्न, हाँ। तो यहाँ पे छिल रहे बादाम, ड्राई फ्रूट्स खीर में डालेंगी, मामा आए स्पेशली ग्वालियर से, बताओ भंडारा अटेंड करने, इनकी ट्रेन इतनी लेट हो गई, 11 बजे पहुँचने वाली ट्रेन 3 बजे आई है, बताओ पापा लेने गए थे, मम्मियाँ पूरी बिजी है, ठीक है प्रसाद मिला है मेरे को, खा लेती हूँ, ठीक है थोड़ा सा खाऊंगा, बाकी ले लो, मामा रुद्री को खाना खिला रहे हैं, मामी पॉटी साफ करवा रही है। अब मैं ऊपर दिखा दूँ क्या क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है, आलू छिल चुके जिसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ओ तू पहले से तैयार हो गई, ये सही है, न्याणियाँ पहले रेडी हो गई, आटा गूंद रहे हैं, इतना सारा आटा गूंद चुका है, वहाँ पे खाना बन रहा है, पापा खड़े होकर एग्जामिन कर रहे हैं सब कुछ सही से बन रहा है कि नहीं, और ऑल थैंक्स टू डैडी, वही संभालते हैं वही हर बार, खाने पीने का वही देखते हैं, अपने बस की बात नहीं है, अब मैं जा रही हूँ नहाने, फिर होंगी रेडी,
फटाफट से, फिर मैं दिखाऊंगी। मैं लाई हूँ 3 सूट, सोचा तो मैंने कुछ और था पहनने के लिए, अब पहनूंगी कुछ और। बाकी देखो जो सबसे बढ़िया लगेगा वो मैं पहन लूंगी, बाकी मम्मी को तंदू दे दूंगी। गाइस इग्नोर ऑल नॉइज ऑल डिस्टर्बेंस, बस मेरे को ये बताना था कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। यार मैं 3 सूट सिलवा के आ तो चुकी हूँ, अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ मैं कौन सा पहनूं, मैं किस में ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। वैसे लग तो मैं सब में रही हूँ, पर यार पता है अब सब में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सुंदर लग रही हूँ ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये वाइन वाला पहनूँ ठीक है, या ये लेवेंडर पहनूँ, या जो मैंने अभी पिंक डाला है वो डालूँ। वैसे ये पिंक मैंने तन्नू के लिए सिलवाया था, पर मुझे लग रहा है लेवेंडर उसको दे दूँ, क्योंकि वो उस वो गोरी थोड़ी मुझसे ज़्यादा है, मेरा शेड थोड़ा ब्राउन है ना, तो फिर उस पर वो सही लगेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, मैं वेट कर रही हूँ वो आ जाए तो बता दे वो क्या पहनेगी। वैसे तो वो बोली दूसरे जो पहनना दीदी तू पहन ले, मैं दूसरा पहन लूँगी। लेट्स सी गाइस, ये आ चुकी है, मैं इसे पूछ रही हूँ पहले से, कल से बन रहा है मेरा व्लॉग, कल से बन रहा है, फोन आ गया। तो गाइस ये आ चुकी है, अब मैं इसे पूछूंगी जो इसको पहनना होगा वो पहन लेगी, उसके बाद जो मुझे पहनना होगा मैं पहन लूंगी। अब डिसाइडेड होगा, लेवेंडर को मैं पहनी थी जिसके लिए मैं इतनी मेहनत करके अरेंजमेंट्स करी थी। तेरे को पता है मैं इयर रिंग्स लाई हूँ 200 रुपए के लेवेंडर के लिए, वो भी करोल बाग जाके। तो तू पहन क्यों नहीं, क्योंकि वो मुझे नहीं अच्छा लगा, वो लाइट कलर है ना, तो मेरा शेड समझ हाँ। तो अब तू बता दे मुझे फाइनल मैं क्या करूँ, देखो कौन सा पहनना है पहले, मैं बात डिसाइड कर लूंगी। जल्दी फाइनल बता, वाइन या पिंक, अकड़ वकड़ कर लेते हैं। सारे यार सब लोग आ गए हैं, अब तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी, हम अभी तक रेडी नहीं हुए। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं इसमें एक चूज करूंगी, डिसाइड कर लूंगी ठीक है, फिर जो भी चूज चूज करेंगे वही पहनेंगे, फाइनल हो गया ठीक है। चल चल कर, ओ चलो अभी उन्होंने पहना जो वही रही रहेगा, मैंने पिंक सोचा था, पिंक सोचा था पिंक ही पहनने, अब डन हो चुका, अब नहीं डिसीजन में बदलने वाली ठीक है। तुझे मैंने तो तू पहन सकती है, मेरे को ऐसे कोई जब देखो गाइस मेरा एंटायर लुक दिखा दे ऊपर से नीचे, फाइनली मैंने ये सूट पहन लिया और इसने दिखाती हूं क्या पहना है। इसने ये सूट पहन लिया, वो भी आ चुकी है भटक भटक के, भाई दूसरी इलाके में पहुंच गई थी एक भंडारा खाने के लिए, एक भंडारा खाने के लिए मैं दिल्ली से यहाँ आई हूँ, सोच सकते हैं आप तू तो ये जो मतलब हमसे मिलने इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, इतनी दूर दूर से आ रहे हैं। हाँ तो मैं बस दिखा रही थी कि मैंने क्या पहना है, फाइनली मैंने ये सब पहन लिया और इसको ये दे दिया पहनने के लिए। अब देखो भीड़ तो थोड़ी कम हो गई, तो अब चलते हैं। मेरे को पता क्या लग रहा है, भंडारा नहीं है एग्जीबिशन है, वो भी हमारा तनु और मेरा, सब लोग आ रहे हैं सिर्फ हमें देख रहे हैं, हमसे मिल रहे हैं, हमसे जांच पड़ताल कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। व्लॉग बनाने के पता मेरे को क्या फायदा हो रहा है, बोलना नहीं पड़ेगा। यही देखो अभी ना सब्जी सबकी शक्लें दिखाती हूँ मैं आपको, चलो क्या कैसे बना है, और ना भीड़ तो वैसे कम हो गया फिर भी मिला के आती हूँ कौन कौन नए नए दोस्त आए हैं मेरे, तो चलो चलते हैं। गाइस देखो खीर है इसमें, खीर मैं झुकी तो मेरी चुन्नी गिर जाएगी, नहीं तो मैं आपको दिखाती कैसी दिख रही है। तो अब बोल ये क्या बदतमीजी है, देखो इसमें खीर है, मैं इसको खोल नहीं सकती क्योंकि मेरी चुन्नी गिर जाएगी ठीक है, तो झुकना नहीं चाहती मैं, झुकेगा नहीं ठीक है। मैं ये बोल चुकी थी आराम से, और देखो पूड़ियाँ तल रही है वहाँ पे, और वहाँ पे फिर से आटा गूंद रहे हैं, और नहीं पूड़ियाँ बेल रहे हैं। हाँ भाई सिनेमैटिक ले लो चलते हुए, और ये देखो सब्जी है, कुल मिला के मस्त स्वाद आ जाएंगे खाना खाओ तो, पर अभी मैं खा नहीं रही। मेरा ही बना दे वो लोग यार, सबका मैं ही बोल दूं, ले खुद से मेहनत होती नहीं है, ले 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 खुद के कैमरे निकालो भाई, खुद के फोन निकालो, काम कर रहा हूं। सत्ते लोग गाइस देखो सब लोग खा रहे हैं, अभी काफी ज्यादा भीड़ कम हो गया, बना दिया क्या, गुड गुड काम कर, चल नहीं बना तो यार ठीक है बना देंगे, 1000 रुपए लगेंगे। अरे तू काम कर रहा है, कष्ट कष्ट थोड़ा भाई, छोटा थोड़ा कष्ट कीजिए यहाँ से, छोटा हाय ये देखो इसको तो आप जानते ही होगे, इसने अब देखा है तो गाइस जो हमें सहारा देता है हर बार हम उसको सहारा दे रहे हैं। तो हम खाने बैठ चुके हैं, ये लोग हमें खिला रहे हैं, और ये भी आ चुका, इतनी लेट आया इतनी लेट, और वो देखो वो भी खाने बैठ गया, इंसानों के लिए फास्ट सर्विस, वो लोग भी आ गए, हट सामने से, वो लोग भी आ गए, साक्षी हाय बोल, तो हम अब सब खाने बैठे हैं, और मम्मी ने खा लिया, खाना खाया पापा, वो भी बैठ गई खाने। तो गाइस कैमरा साफ है, पता नहीं रुको एक सेकंड, हाँ साफ है। तो गाइस अभी भंडारा हो चुका है खत्म, सब कुछ हो चुका है पैकअप, और सारे गेस्ट जा चुके हैं, सबको हमने टाटा बाय बाय बोल दी है, और हम बहुत थक गए हैं बिना कुछ काम करे, सिर्फ रेडी होने में थक गए हैं, और अब हम करा रहे हैं फोटो शूट, और ये फिर से कैमरा पकड़ के मेरी तरफ कर दिया ताकि मैं बोलती रहूं या रिकॉर्ड करती रहे। तो हमने पूरा क्या कहते हैं तामझाम सब खत्म करना चाहा है अब,
अब हम सोच रहे हैं फटाफट से चेंज करें, बट चेंज करने के लिए पहले फोटो खिंचानी जरूरी है क्योंकि अपलोड क्या करेंगे, फोटो नहीं खिंचाएंगे, तो फटाफट फोटो खिंचाते हैं और फिर ब्लॉग को यही एंड करते हैं। ओके टाटा बाय बाय, अगले ब्लॉग में मिलते हैं, चलो बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस, लाइक शेयर।